एवरीवन, सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 17। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम ओनली वेटिंग फॉर लव टू गिव माई सेल्फ अप एट लास्ट इन टू हिज हैंड्स। यहाँ पर टैगोर कहते हैं, पोइट कहते हैं कि ठीक है, अगर अभी ईश्वर से मिलने के समय को देरी है, लेकिन कोई बात नहीं। आई एम ओनली वेटिंग फॉर लव, मैं तो सिर्फ उस प्रेम का इंतज़ार कर रहा हूँ, सिर्फ उस प्रेम का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जिसमें कि मैं अपने को उसके हाथों में सौंप दूँ, एट लास्ट इन टू हिज हैंड्स। एक्चुअली यहाँ पर अब पोइट बिल्कुल सेल्फ सरेंडर की सिचुएशन में है कि मुझे अब अपने को एकदम ईश्वर के हाथों में सौंप देना है। मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स गाए, पोएम्स गाए, लेकिन ईश्वर मेरे सामने नहीं आ रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष रूप में वो मेरे सामने आते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे पे दया दिखाते हैं, बट वो मेरे सामने प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। मैंने इतने गीत गाए हैं बट लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ। आई एम ओनली वेटिंग फॉर लव, मैं उस प्यार का इंतज़ार कर रहा हूँ, उस प्रेम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि जिसमें कि अंत में मैं स्वयं को उनके हाथों में सौंप सकूँ। That is why it is so late and why I have been guilty of such omissions. इसी कारण से, that is why, इसी यही एक कारण है कि जिसकी वजह से इतना समय निकल चुका है और मेरे बहुत सारे कार्यों को मैं ना कर पाने का दोषी बन गया हूँ। Why I have been guilty of such omissions, जो मैंने जो कार्यों को मैं नहीं कर पाया हूँ, उन कार्यों को ना करने का मैं गिल्टी हो गया हूँ, दोषी हो गया हूँ। दे कम विद देयर लॉज एंड देयर कोड्स टू बाइंड मी फास्ट। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो ये समाज है, ये संसार है, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर सोसाइटी है, उन मतलब कुछ संसारिक रूल्स हैं, नियम कानून हैं, ड्यूटीज़ हैं, जिसको कि मुझे भी परफॉर्म करना होता है या करना चाहिए, तो वो लोग आते हैं, मतलब लोग मुझे सिखाते हैं, मुझे कहते हैं, वे अपने लॉज के साथ, अपने विधि विधानों के साथ, अपने नियम कानूनों के साथ आते हैं और मुझे बांधने का प्रयास करते हैं। बाइंड मी फास्ट बट आई इवेट देम एवर, लेकिन मैं उनके प्रयत्नों का विरोध करता हूँ। इवेट मीन्स विरोध करता हूँ, मतलब कि वो मुझे डाइवर्ट करते हैं। मैं मेरा जो आपके लिए प्रेम है, जो मैं आपकी आराधना में भक्ति में लगा हूँ, उससे मुझे लोग मतलब अलग करना चाहते हैं और मुझे अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बांधना चाहते, लेकिन नहीं, मैं उस चीज़ का विरोध करता हूँ और मुझे अभी तक वो लोग नहीं बांध पाए हैं। फॉर आई एम वो ओनली वेटिंग फॉर लव टू गिव माई सेल्फ अप एट लास्ट इन टू हिज हैंड्स, क्योंकि बस अब मैं उस प्रेम का इंतज़ार कर रहा हूँ, उस क्षण का इंतज़ार कर रहा हूँ, उस घड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं स्वयं को आपके हाथों में सौंप सकूँ, अब मैं उनके हाथों में सौंप सकूँ। पीपल ब्लेम मी एंड कॉल मी हीडलेस, I doubt not they are right in their blame. Poet यहाँ पर कहते हैं कि लोग जो हैं वो मुझे दोषी ठहराते हैं, वो मुझे दोषी ठहराते हैं और मुझे लापरवाह कह के संबोधित करते हैं, हीडलेस लापरवाह करके संबोधित करते हैं। I doubt not, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है, they are right in their blame, जो वो मुझ पर दोष लगा रहे हैं वो एकदम सही हैं, लोग एकदम सही हैं, वो लोग जो मुझ पर दोष लगा रहे हैं, क्योंकि यस, मैं आपकी आराधना में बिज़ी हूँ, मैं आपकी भक्ति में हूँ और लोग मेरा आपके लिए प्रेम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वो लोग मुझ पर दोष दे रहे हैं, वो लोग जो संसार के ड्यूटीज़ हैं और रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कर्तव्य हैं संसार के प्रति, मैं उनका निर्वहन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो मेरे को दोष दे रहे हैं, तो वो लोग अपनी जगह पर ठीक हैं, मैं उन्हें गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन जो मेरा प्रेम है आपके लिए, बस मैं उसमें अब सेल्फ सरेंडर की सिचुएशन में हूँ, मैं अपने आप को समर्पित कर देना चाहता हूँ आपके हाथों में। द मार्केट डे इज़ ओवर एंड वर्क इज़ ऑल डन फॉर द बिजी। पॉइंट यहाँ पर कहते हैं कि जो बाज़ार का दिन है वो ख़त्म हो गया है और जितने भी लोग थे, व्यस्त लोग थे, बिजी लोग थे, वो सभी क्या हैं, अपने अपने कामों को पूरा कर चुके हैं। दोज हु केम टू कॉल मी इन वेन हैव गॉन बैक इन एंगर, जो लोग मुझे बुलाने आए थे वो सभी गुस्से के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उनका आना क्या हो गया, वेन हो गया, निरर्थक हो गया, वो मुझे डाइवर्ट नहीं कर पाए। आई एम ओनली वेटिंग फॉर लव टू गिव माई सेल्फ अप एट लास्ट इन टू हिज हैंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ उस घड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, उस क्षण का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं अंतिम रूप से अपने आप को आपके हाथों में
सौंप दूँ या उसके हाथों में, यहाँ पर कवि कहता है मैं अंतिम रूप से अपने को उसके हाथों में सौंप दूँ, मैं उस प्रेम का इंतजार कर रहा हूँ, उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। यद्यपि लोग नाराज़ होकर मुझसे जा चुके हैं, मैंने किसी की नहीं सुनी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मुझे स्वीकार करेगा और मेरे सामने आएगा, या मुझे मेरे प्रेम को देखते हुए अपने चरणों में मुझे स्थान देगा और मेरे प्रेम को स्वीकार करेगा। सो ये था सॉन्ग नंबर 17 एंड आई होप कि मैंने एक्सप्लेन किया और आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, और साथ ही चैनल पे फर्स्ट टाइम है और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू अगेन विद नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।